गुड मॉर्निंग editplatter.com से दुनिया की खबरों के साथ आपकी सेवा में मैं हूं शिवकांत। नमस्कार। अमेरिका समर्थित सीरियाई विद्रोहियों ने आइसिस से उनकी राजधानी रक्का के तबका हवाई अड्डे को छीन लिया है। इराक का कहना है कि मूसल में मारे गए सैकड़ों नागरिकों की मौत हथियारों से लदे आइसिस के ट्रक पर बम गिरने से हुई है। बांग्लादेश में आइसिस आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में 2 बम धमाके हुए हैं जिनमें 6 लोग मारे गए हैं। क्यों मजहब एक बार फिर दुनिया में राजनीतिक ताकत की सीढ़ी बनता जा रहा है। दक्षिण कोरिया में प्रोसिक्यूटर पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुनहे की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं और कैसे वैज्ञानिक पालक के पत्ते को दिल के टिश्यू में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं चर्चा के कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय विषय। लेकिन शुरुआत रूस से, जहां अमरीका की राजनीति चलाते चलाते राष्ट्रपति पुतिन के अपने घर में विरोध की आंधी चलनी शुरू हो गई है। कल राजधानी मॉस्को समेत देश के दर्जनों शहरों में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व विपक्षी नेता एलेक्से नवोल्नी कर रहे थे। मॉस्को के पुष्किन चौक पर जमा हुए हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और पुतिन चोर है, पुतिन रहित रूस के नारे लगा रहे थे। रूस पर फौलादी शिकंजे से राज करने वाले पुतिन को विरोधी जन प्रदर्शनों को बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, इसलिए पुलिस ने विपक्षी नेता एलेक्सी नवोल्नी समेत 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जेलों में बंद कर दिया। जेल जाते समय नवोल्नी ने लोगों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की थी। एलेक्सी नवोल्नी की नज़र अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर है, जिसमें वे पुतिन को चुनौती देना चाहते हैं। चुनौती का आधार उन्होंने रूस में हर स्तर पर व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार को बनाया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के पास आलीशान बंगले, अंगूरों के बाग और आलीशान यॉट हैं, जिन्हें उनके वेतन में खरीद पाना संभव नहीं है। रूस CNN पर एक कल रात पुतिन पर फरीद जकारिया की डॉक्यूमेंट्री द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड दिखाई गई थी, जिसके अनुसार स्वयं पुतिन रूस के कई बड़े बड़े महलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों और योटों के मालिक बन चुके हैं। उनकी संपत्ति $200 अरब के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो उन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली होने के साथ साथ दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी बनाती है। पुतिन को विरोधी सुर सुनने की आदत नहीं है। रूसी टेलीविजन पर उनका पूरा नियंत्रण है और उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को नहीं मिल सकता। अपने विरोधियों को अपराधों और घोटालों में फंसाकर जेल भिजवा देने या फिर टपका कर ऊपर भिजवा देने में वे सिद्धहस्त माने जाते हैं। 2 साल पहले उनके विरोधी बोरिस नेमसोव की क्रेमलिन की बगल की सड़क पर सरेआम हत्या कर दी गई थी। आज तक असली खूनी का पता नहीं चल पाया है। इसलिए पुतिन के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होना साबित करता है कि भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर रूसी समाज में किस कदर भारी असंतोष है। इसलिए अमरीकी विदेश मंत्रालय ने भी विपक्षी नेता एलेक्सी नवोल्नी समेत प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियों की कड़ी आलोचना की है। लेकिन अमरीकी विदेश मंत्रालय को इस बात का एहसास भी है कि आइसिस या इस्लामी स्टेट के खिलाफ सीरिया और इराक में चल रही लड़ाई में उसे रूस के साथ की जरूरत है। सीरिया से खबर है कि अमरीका समर्थित सीरियाई विद्रोही सेना ने आइसिस से उनकी राजधानी रक्का के पास पड़ने वाले तबका हवाई अड्डे को छीन लिया है, लेकिन तबका बांध पर अभी भी आइसिस का कब्जा है। आइसिस के आतंकी शिकायतें करते रहे हैं कि अमरीका, रूस और उसके साथियों के हवाई हमलों से तबका बांध कमजोर पड़ गया है। तबका बांध के टूट जाने और रक्का के बह जाने का खतरा बना हुआ है, इसलिए अमरीका ने जमीनी लड़ाई के लिए अपने कुछ और सैनिक भेजने का फैसला किया है। इस बीच इराक के उत्तरी शहर मूसल में पिछले सप्ताह के हवाई हमलों को लेकर विवाद फैला हुआ है। राहत एजेंसियों के अनुसार इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन इराक का कहना है कि लोगों की मौतें हवाई हमले से नहीं बल्कि आइसिस के हथियारों से लदे एक ट्रक से हुई हैं, जिस पर बम गिरने से धमाका हो गया था। बांग्लादेश के पूर्वोत्तरी शहर सिलहट से खबर है कि एक अपार्टमेंट इमारत में छिपे आइसिस के संदिग्ध आतंकियों के साथ चल रही पुलिस मुठभेड़ में इमारत के पास 2 धमाके हो जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। पहला धमाका मोटर बाइक से आए 2 हमलावरों ने किया था और दूसरा सब्जी के थैले में छिपा कर रखे गए बम से हुआ था। दोनों धमाकों की जिम्मेदारी आइसिस ने ले ली है। अपार्टमेंट ब्लॉक से 78 नागरिकों को बचा लिया गया था। आइसिस के संदिग्ध आतंकी अपार्टमेंट इमारत में छिपे हुए हैं। उधर अमरीकी राज्य ओहायो के शहर सिनसिनाटी के केमियो नाइट क्लब में 2 आपसी झगड़े के बेकाबू हो जाने की वजह से चल रही गोलियों में एक व्यक्ति मारा गया है और 15 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन दक्षिण कोरिया में भ्रष्टाचार का मुकदमा लड़ रहे अभियोग पक्ष कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन-हे का भ्रष्टाचार से गहरा संबंध है और इसलिए वे पूछताछ के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करने वाले हैं। पार्क गुन-हे पर संसद में महाभियोग चलाकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। पार्क गुन-हे के साथ साथ सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां भी घूस देने के आरोपों में अभियोग पक्ष के निशाने पर हैं। उधर चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग धार्मिक आस्थाओं को मान्यता देकर लोगों की धार्मिक आजादी का इस्तेमाल आर्थिक विषमता और कठिनाइयों की वजह से सुलगते जन संतोष की भावनाओं को दबाने में कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख व्हाट ए बुद्धिस्ट मंक टॉट शी जिनपिंग में इयन जॉनसन ने राष्ट्रपति शी की चीन को बौद्ध धर्म का संरक्षण बनाने की नीति का आकलन किया है। संयोग से इस समय दुनिया के चारों बड़े और शक्तिशाली देशों चीन, अमेरिका, रूस और भारत में नेता धार्मिक राष्ट्रवाद का प्रयोग अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में कर रहे हैं। ट्रंप और पुतिन ईसाई राष्ट्रवाद को सहारा दे रहे हैं, मोदी हिंदू राष्ट्रवाद को और शी बौद्ध ताओ और कन्फ्यूशियवाद को। मजहब और संस्कृति में रंगे राष्ट्रवाद के सहारे लोगों का ध्यान आसानी से आर्थिक कठिनाइयों और विषमताओं से हटाया जा सकता है और हटाया जा रहा है। ऐसे ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक नमूना अमेरिका के डेनवर शहर से मिनियापोलिस जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की एक उड़ान में देखने को मिला, जब विमान सेवा के एक एजेंट ने लेगिंग पहनकर जा रही कुछ लड़कियों को कपड़े बदलने या लेगिंग के ऊपर से पतलून पहनने के लिए मजबूर कर दिया। विमान सेवा का कहना है कि बुकिंग किसी ऐसी कंपनी के नाम पर की गई थी जिसके कर्मचारियों का वर्दी पहनकर यात्रा करना जरूरी था, लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उधर अमरीकी राज्य मैसाचुसेट्स के वूस्टर पॉलिटेक्निक संस्थान के वैज्ञानिकों ने पालक के पत्ते को दिल के टिश्यू या ऊतक में बदलकर कृत्रिम अंग बनाने का एक नया रास्ता खोला है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आइए editplatter.com पर, दुनिया की श्रेष्ठ खबरों का एकमात्र जरिया। और शिवकांत को अनुमति दीजिए, नमस्कार।